केस फाइल हुआ है जी आसिफ मोदी और सुहेल और जतिन पर, क्या कुछ कहेंगे उस? द थिंग इज सी आई रियली डिडंट वांट दिस टू हैपन. यू नो यूनिवर्स फोर्स्ड मी. एक एक करके स्टेप ऐसा होता गया. मैं हर बार मेरे को करना होता तो मैं शुरू से करती जब 7 मार्च को ये हुआ था. लेकिन मैं शांत बैठी थी. 24 मार्च को इन लोग ने मेरे को नोटिस भेजा जिसका मैंने सिर्फ व्हाट्सएप पे वो ड्राफ्ट में रिप्लाई दिया बिकॉज मेरे को नहीं चाहिए था ये कुछ ना इनकी भी बदनामी हो. आई वॉज थैंकफुल फॉर द शो. मैं बाहर निकल गई. ओके लेकिन फिर इनने मुझे बोला 6 अप्रैल को कि मैं उनसे मनी एक्सटॉर्ट करना चाहती हूँ इसलिए ऐसा कर रही हूँ. तो फिर मैंने 8 अप्रैल को फाइनली ये FIR जो रजिस्टर करने की मांग के लिए सारे वेरियस अथॉरिटीज को भेजा था जो फाइनली खुलासा 11 मई को हुआ. स्टिल मैं इस चीज में शांत बैठी थी. ना मैं मीडिया में गई ना मैंने कहीं पर कोई चीज अपनी तरफ से किया. फिर इसके बाद ये हुआ कि मुझे बार बार नेचुरली मीडिया से फोन आ रहा था कि आप FIR कब कर रहे हो. एंड व्हेन आई केम आई वाज नॉट इन मुंबई दैट टाइम. आई फाइल्ड आई गिव माय स्टेटमेंट ऑन 24th of May. उसके बाद आई वाज जस्ट वेटिंग कि अभी क्या है. मतलब मुझे बहुत ऐसे अलग अलग जगह से घुमा फिरा के मुझे ट्राई भी किया गया कि कॉम्प्रोमाइज का. तो आई सेड के नहीं अभी वो तो नहीं होगा. आप कॉम्प्रोमाइज भी मैं कर लूंगी अगर आप पब्लिकली बोलोगे कि आपने ये किया है एंड यू विल एक्सेप्ट इट अदरवाइज नहीं. दैट इज माई ओनली यही अकेली शर्त है मेरी. फाइनली आई वेंट यस्टरडे. मतलब क्योंकि इतने दिनों से कुछ हो नहीं रहा था मुझे लग रहा था कि कुछ चीजें फैब्रिकेट की जा रही हैं. अदरवाइज तो अगर मैं 24 मई को देकर आई हूँ और कुछ हो नहीं रहा है तो मतलब कुछ तो हो रहा है. इन लोग इतना टाइम बाय कर रहे हैं. तो फाइनली दे मेड दे सेंट नोटिस रिप्लाइंग टू माई लेटर टू ICC. ICC मतलब इज द कमिटी विच दे फॉर्म्ड ऑन द जब उनको ये कलेक्टर और सब जगह से प्रेशर आया तो वो उन्होंने ICC करके कमिटी बनाई जिसमें हमारे यहाँ की हेयर ड्रेसर हैं, उनकी अकाउंटेंट हैं, उनकी पर्सनल असिस्टेंट है और वेरियस क्रू मेंबर्स वुमेन. ये 15 साल बाद आफ्टर मैं फाइलिंग द केस 22 मई को ये कमेटी फॉर्म कर गई. और फिर मुझे लेटर आया कि आप आ जाइए यहाँ पर हम आपको आपका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और आप जो आपके जो बचे हुए जो पैसे हैं वो दिलवा देंगे. प्रोड्यूसर के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे. आप अपना लॉयर को मत लेकर आना. मतलब ये था कि मैं एक तो 15 साल से कमेटी कहाँ थी. सेकेंडली कि अगर आपके ही एम्प्लॉयज जो हेयर ड्रेसर और अकाउंटेंट और PA उन लोग मेरा साथ क्यों देंगे. वो दे आर ये क्या एक्शन लेंगे इन लोग. तो आई डिड नॉट पे हीड टू इट बट दे वर बाइंग टाइम फॉर दिस बिकॉज दे रिप्लाई टू दिस ICC. नेचुरली आसिफ मोदी इज द हेड ऑफ नीला टेलीफिल्म्स. तो उन्होंने नीला टेलीफिल्म्स के लेटर हेड पे पूरा ICC कमेटी बनाई थी जो. और उन्होंने अपनी कमिटी को ही रिप्लाई किया है जिसमें CC में मेरे लॉयर को उन्होंने रखा. जो लॉयर ने को ये सैटरडे को लेटर मिला जिसमें लिखा हुआ था मतलब मुझे वेरियस एलिगेशंस लगाए गए एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम से एक्सट्रीम विच यार आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ डूइंग दैट. मतलब विच टाइप तो ऑफ, आप बता सके किस तरह के एलिगेशन जैसे लगाए गए? जैसे मुझे पहले तो मैं कि जैसे क्रू में सब में कास्ट में क्रू में लड़ाई झगड़ा कराती थी. बहुत गाली गलौज करती थी वहां पर. सबके बीच में डिफरेंसेस करा दी थी. बहुत आगे बात बढ़ जाती थी. मार पिटाई होने लगती थी और गॉसिपिंग और बिचिंग करती थी ऐसा. देन जबकि मुझे तो आश्चर्य लग रहा है उन्होंने ऐसा बोला जबकि मालव मोनिका प्रिया ये सब लोग अपने आप ही आए हैं. स्टिल ही सेइंग ओके एनीवेज. देन आई वाज टोल्ड बिकॉज़ द थिंग इज मुझे ऐसा समझ में आता है कि जो चीजें मैंने पब्लिकली एक्सेप्ट की थी वो चीजों पे को लेके इन्होंने फैब्रिकेशन स्टार्ट कर दिया. लाइक आई सेड के ओके आई ड्रिंक वंस इन अ व्हाइल ऑन सम सोशल ओकेजंस. तो अभी मुझे लेटर में लिखा गया कि व्हेन वी यूज्ड टू गो आउटडोर आउटडोर पे मुझे संभालना मुश्किल हो जाता था. एवरी टाइम इन दैट इंटॉक्सिकेटेड स्टेट मैं जो है मेल मेंबर्स मेल कास्ट इन लोगों को फिजिकल हो जाती थी. इन लोगों को मारती थी एंड उन पे हावी हो जाती थी. आई कांट इवन इमेजिन थिंकिंग दैट. आई कांट इवन इमेजिन कि हाउ हाउ इज इट पॉसिबल
ओके एंड इस तरीके से, और के हमने कोई डिफरेंस नहीं किया है कास्ट एंड क्रू के बीच क्रू में में, लेडीज और जेंट्स में कोई मैं शोविनिज्म नहीं था, एंड आई एम लाइक द फादर फिगर ऑफ द एंटायर कास्ट एंड क्रू, एंड मैंने सबको यू नो फैमिली जैसा ट्रीट किया है. जेनिफर ने तो अपनी प्रेगनेंसी का इन्फॉर्म भी नहीं किया था, जबकि जेनिफर को पता चला कि दिलखुश प्रेगनेंट है, जो मेरी जगह रोशन आई थी ना बीच में, तो जी शी वॉज प्रेगनेंट. तो जेनिफर ने मौका का फायदा उठा के सीधे इसको यू नो आने का चांस ले लिया. तो ओके ठीक है, आप अगर बोलते हैं मेरे को पता चला कि दिलखुश प्रेग्नेंट है और मैं आने का चांस लिया, तो आपने मुझे लिया क्यों? मतलब आपको तो दिन में 100 और एक्टर्स बोलते होंगे ना, आए दिन सर हमको ले लीजिए सीरियल में एक एक सीन के लिए, तो आप तो नहीं कर रहे थे. और सेकेंडली, दिलखुश वॉज नॉट प्रेगनेंट. आई एम इन टच विथ हर ऑन डेली बेसिस. शी इज माई स्पिरिचुअल गुरु. शी ओके वेंट इन टू स्पिरिचुअलिटी लॉन्ग बैक एंड ओके शी लेफ्ट तारक मेहता ओनली बिकॉज ऑफ दैट. तो वो उसके लिए मैंने उनको भी पूछा, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था भाई, कोई प्रेग्नेंट नहीं होती, कहीं पर ये लोग को बोली रहा छे ऐसे. मतलब तो द थिंग इज, इतना सारा और भी बहुत सारी, मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब कि मैंने इनसे बहुत पैसे मांगे हैं, बहुत बार पैसे मांगे, मतलब मैंने इनसे यू नो गरीबी दिखा के, मेरे मायके के में बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, ऐसे करके पैसे मांगे हैं. मतलब तो इसमें तो फर्स्ट पॉइंट ये है, पहले तो ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है? और अगर ऐसा हुआ है तो सोचो आप कितना कम पे करते होगे कि मेरे पास पैसे नहीं. एंड द थिंग इज कि मैंने उनको ये जरूर बोला था, जो मैंने पहले भी इंटरव्यूज में बोला है, मेरे भाई की डेथ के बाद, बिकॉज मेरे पूरे पैसे मेरे भाई के हॉस्पिटल में लग गए थे, तो तब मैंने उनको जरूर, उन्होंने बुलाया था ऑफिस, तो मैं गई थी और मैंने तब उनको जरूर बताया था कि मेरे मायके में अभी 7 लड़कियां हैं सिर्फ, कोई किसी के पास ना कोई जॉब ना कुछ, सब बीमार लाचार. माई सिस्टर इज स्पेशल नीड्स, बच्ची अभी पैदा हुई है मेरे भाई की, 2 बच्चे हैं, मतलब उसके भाई गुजर गया है, ऐसा मैंने बताया था. दैट डजंट मीन कि आई वॉज डूइंग दिस फॉर एवर, ये तो अभी हुआ था. जी तो उसके बाद उन्होंने, मतलब मुझे बोला गया कि, और उसके बाद ही अपना स्टेटमेंट वो कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं कि ये बोल रही हैं, जेनिफर बोल रही हैं कि इन्होंने यू नो डिप्रेशन में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया अपने भाई ब्रदर की. तो मेरे को कुछ भी नहीं मालूम कि डिप्रेशन में थी, या इसके भाई इसके घर में ऐसे यू नो गरीबी थी ये वो. मैंने जी बोला अभी तो एक दो स्टेटमेंट पहले आपने लिखा यही चीज कि आप, मतलब मैं आपसे पैसा मांगती रहती हूँ हमेशा, कि मेरे घर की गरीबी दिखा के, मतलब यू नो हर चीज को उन्होंने खुद कॉन्ट्रोडिक्ट किया. जिसने भी बनाया वो बहुत ही, मतलब यू नो उसको बेसिक अकल नहीं है कि मतलब क्या उन्होंने बोला है. एंड और भी इस तरीके से कि मैंने क्या हाँ, मेरे फादर की डेथ पे उन्होंने मुझे कोई नहीं बुलाया, मतलब नहीं बुलाया था. मैंने जैसे पहले भी इंटरव्यूज में मिला था, मेरे फादर की डेथ के 4 दिन बाद इन्होंने मेरे को बॉम्बे आने के लिए बोला था, और मैं 6 दिन बाद आई थिंक बॉम्बे आ गई थी. 6 दिन भी नहीं, 6 दिन बाद तो मैं शूट करी थी. 15 जनवरी को डेथ हुई थी उनकी, और 21 आई वॉज शूटिंग. तो 21 का शूट वो टेलीकास्ट हुआ होगा, वो तो आपको दिखेगा, वो आपको मालूम नहीं गया कि टेलीकास्ट में दिखा है मैं क्यों आऊंगी. और वो भी एक यू नो हम एक सल्यूट कर रहे हैं तिरंगा झंडा को देख के, 26 जनवरी का शूट था. सो दिस इज, दीज आर सम थिंग्स यू नो, कि उन्होंने सब चीज को डिनाई किया है, और सब, और सोहेल जतिन को तो एकदम डिसोन कर दिया है, कि मुझे नहीं मालूम सोहेल जतिन ने जो किया उसका जवाब उन लोग देंगे. अभी तो आज तक, इस शुरू से लेके अभी तक मैं कुछ भी बोलती थी, सोहेल से बात करो, सोहेल से बात करो, सोहेल से बात करो, और अभी उन्होंने बोला सोहेल ने जो किया वो जवाब देगा ऐसा. जेनिफर, अभी जो केस फाइल हुआ है, क्या जी कुछ उसमें आपने अपनी तरफ से कि क्या सेक्शंस लगे हैं, क्या कुछ पता चला है नहीं, ये आपके? मुझे इतना जैसा नहीं समझ में आता. मुझे इतना मालूम है सेक्सुअल एंड मेंटल हरासमेंट का केस है. कि सेक्सुअल हरेसमेंट, मेंटल हरेसमेंट और सेक्सुअल एंड मेंटल हरासमेंट, वो कुछ एग्जैक्ट नहीं मालूम, शायद 354 ऐसा कुछ है. आई एम नॉट टू श्योर, हाँ आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दिस. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लीगैलिटीज. ये इफ यू वांट यू कैन टॉक टू माय लॉयर, ही विल टेल यू एवरीथिंग व्हाट एवर जो क्लियर. क्या अभी आपकी लॉयर से बात हुई तो लॉयर ने क्या कहा अभी जब हाँ, एफआईआर उनने दर्ज बोला हो कि गई है? जस्ट वेट एंड वॉच, ही ओनली टोल्ड मी यस्टरडे कि बहुत टाइम हो गया है करके, यू नो नाउ यू हैव टू गो फॉर एफआईआर, क्योंकि अभी तो ये तुम पे वेरियस एलिगेशन लगा रहे, दैट्स व्हाई दे वर बाइंग टाइम व्हाट एवर यू नो. इस समझ में आ रहा था मुझे कि कुछ तो फिशी है, 24 मई को करने के बाद अभी तक मुझे कुछ क्यों नहीं हो रहा है. मतलब दे वर डूइंग समथिंग बिहाइंड द सीन और फैब्रिकेटिंग पीपल. जैसे उन्होंने सबसे बड़ी चीज, जो मेरा वन ऑफ द प्राइम विटनेस थे, उनको उन्होंने इतने साल बाद, इतने सालों से उनके पैसे रोक के रखे थे, आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम, ओके, इतने सालों से उनके पैसे रोक के रखे थे, और वो उन्होंने उनको बुला के उनका पैसे सडनली बुला के दे दिए. दैट सिंपली सीम्स आपने विटनेस को खरीद लिया.
ही इज अंडर लाइक के अभी जेनी मैं देखूंगा लाइक बोलू नहीं बोलू आई हैव टू थिंक यू नो ऐसा साथ ही तो मतलब डॉक्यूमेंट्स की बात हो तो कुछ आप बताना चाहेंगे क्या क्या मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट बहुत बड़ा एलिगेशन हो जाता है, तो उसके लिए जी क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या सारी चीज़ें हैं विटनेस के साथ साथ, जैसे विटनेस का आपने मेरे मेंशन किया कि पास जी तो आई मेंशन थ्री विटनेसेस आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम्स वो जो भी कोर्ट वो सब डिसाइड करेगी एंड मुझे मालूम है उसमें यू नो दे विल नॉट स्पीक फॉर मी दे माइट डिनाई दे माइट से नो कमेंट दे माइट से दे डोंट रिमेम्बर दैट्स व्हाट आई फील अभी आई रियली डाउट बिकॉज दे आर स्टिल वर्किंग देयर टू ऑफ ओके देम ओके तो एनीवेज तो बट क्योंकि मुझे बोला गया लॉयर के द्वारा पुलिस के द्वारा कि आपको नाम देना ही पड़ेगा बिकॉज आई डिडंट वांट देम टू बी इन ट्रबल कि उनने मेरे को उस टाइम पे हेल्प की थी यू नो तो हेल्प की थी तो मैं नहीं चाहती थी उनको ये सब पुलिस मिल गया झंझट में यू नो फंसना पड़े कुछ भी बट व्हेन आई वाज फोर्स टू डू दिस क्योंकि असित जी ने इतने सारे मेरे पे एलिगेशन लगाए देन आई हैड टू स्पीक के ओके ये है दीज आर द नेम्स एंड आई हैव ऑल द प्रूफ्स ऑफ ऑडियो जो जितने और मेरे पास ऑडियो हैं फोन कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं मतलब इतने सारे हैं मतलब जो चीजें मैंने बोली है ना एक्सेप्ट एक्सेप्ट फॉर द सिंगापुर थिंग बिकॉज सिंगापुर में नेचुरली वो रैंडम आके बोलते थे मैं एकदम निकल रही हूँ एकदम बोलते थे तो नेचुरली कोई ऐसे में तो रिकॉर्डिंग कर नहीं सकता दैट दैट हैपेंड यू नो फॉर द फर्स्ट टाइम जो इन्होंने इतना वोकल होके बोला था तो ओके वो नहीं है नेचुरली मेरे पास बट बाकी मेरे पास और फोन कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें उन्होंने ये सब चीजें ऐसी बोली हैं साथी जेनिफर, और जब से ये मामला पूरा चल रहा है कि 2 दिन 4 दिन बाद किसी ना किसी मतलब किसी के अंदर आता है कि ये चीजें मेरे साथ हुई हैं, मैं भी जेनिफर से बात करती, ऐसा कोई मतलब शो का कास्ट रहा है जिसने जो अभी करंट वर्किंग है या फिर नो किसी ने नो कॉल नो किया या जो फिर आपसे बात की? वर्किंग है वो नहीं हाँ लेकिन जैसे ये तो मुझे मालूम भी नहीं था कि अभी ने तो मतलब जैसे प्रेस ने तो सबको कांटेक्ट किया होगा ओके हाँ तो मुझे जो पता चला कि वहां अंदर कोई भी जवाब नहीं दे रहा है ठीक है कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है सो व्हाट आई वांट टू से इज लाइक दे आर नॉट स्पीकिंग फॉर मी इज आल्सो फॉर मी ओके बिकॉज दे आर नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट मी आल्सो क्योंकि उनको मालूम है मैं सच बोल रही हूँ नहीं मतलब मेरे कहने का मतलब कि आपको ही कॉल किया हो, आपसे बात की नहीं हो, नहीं मुझे भले आप अंदर नाम से ना लो। किसी ने मतलब अंदर से मतलब मुझे किया कुछ लोगों ने जब तक मीडिया में नहीं आया था मीडिया के बाद मुझे एक दो जन ने किया था कि मतलब बोला उन्होंने कुछ चीजें कि वो रिकॉर्डिंग्स भी है मेरे पास कि मतलब उन्होंने बोला कि अच्छा तूने वाट लगाई इसके आदमी की और इसको तो ओके पता चलना चाहिए और देख अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो हम क्या करते हैं और ये आदमी तो इतना गंदा है तेरे को मालूम नहीं है तू तो दमन में थी नहीं दमन में इसने क्या गुल यू नो गुल खिलाए हैं और वहां पर भी एक लड़की इस पे मीटू करने वाली थी ऐसा सब मुझे बोला गया मैंने बोला सी आई डोंट नो अबाउट दैट मतलब ये मुझे पता चला था बिकॉज आई वॉज नॉट इन द दमन ये मुझे तभी पता चला था कि दमन में भी कोई लड़की ये कब मीटू की करने बात वाली है, कब की बात है ये स्नैप ये जेनिफर? 2021 मई 2021 में ओके तो अभी वहां रिसेंट। मुझे इतना पता चला था हाँ किसी ने कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट थी जिनको मुझे नहीं मालूम अब क्या हुआ था मुझे सुनी सुनाई बात बोल रही हूँ मैं ठीक है मुझे मैंने इसको विटनेस नहीं किया तो कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट पे ये जो भी बार बार बोलते होंगे रूम में आ जाओ ये वो ऐसा करके और उनको कुछ जो भी हैंकी पैंकी हो रहे थे तो शी सेड के मैं इनको मीटू करने वाली हूँ तो इनको पता चल गया था तो फिर उन्होंने सबके सामने मतलब यू नो कह रहे तुम तो मेरी बेटी जैसी हो ऐसे सब पूरा बार बार बात घुमा दी थी सो दीज आर द थिंग्स और आप मतलब अंदर के काफी लोगों ने इस टाइप की मुझे चीजें बोली है यही और बाहर के लोगों ने तो ऑफकोर्स सबने मुझे सपोर्ट किया है सपोर्ट किया से मुझे फोन करके तो बोला ही है बात कि की है। बहुत अच्छा किया तुमने मतलब बहुत सारे मुझे ऐसी चीजें लेकिन इसके बाद पता चली कि मेरा तो एलिगेशन बहुत कम है इन्होंने बहुत ज्यादा चीजें की है बहुत ज्यादा तो दूसरे मतलब लोग, मैं दूसरे जो जिसकी बात आप कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? उन्हें भी पता नहीं तो वो तो वही वो मुझे मालूम नहीं लाइक अभी सी असित जी के कुछ लोग बहुत क्लोज थे ठीक है जो हु आर नॉट वर्किंग इन द शो एनी मोर एंड दे नो द इनसाइड थिंग्स ऑफ हिज व्हिच आई डोंट नो वो मेरे मेरे कोई मतलब ही वाज जस्ट माय एम्प्लॉयर बाकी मेरा उनसे कुछ वो नहीं था लेकिन जो इनके फ्रेंड्स थे वो उनको मालूम होगा ना उनका जो भी तो उन लोगों ने मुझे कुछ ऐसी ऐसी चीजें बताई कि ऐसा किया था वैसा किया था ना मैं हिल गई बोले मैंने बोला ठीक है भाई अभी वो आई आई डोंट नो लाइक ठीक है जिसका जैसा अभी नहीं करना होगा जो भी उनकी किसी की क्या मजबूरी होगी या इतना झंझट में नहीं फंसना होगा अभी जैसे मोनिका ने भी तो बोला ना कैसे जी उसको बोलते थे कि तुम आ जाओ ड्रिंक करते हैं तुम कौन सी ड्रिंक पीती हो तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड है चलो मैं तुमको छोड़ देता हूँ कार में तो मतलब मोनिका डजंट इवन अंडरस्टैंड दैट दैट इज आल्सो यू नो दैट आल्सो कम्स अंडर सेक्सुअल हैरासमेंट वो तो उसकी भलाई है कि वो ऐसा कुछ केस नहीं कर रही है मेरा भी जब पारा सर ऊपर चढ़ गया तब मुझे करना पड़ा वरना तो मैं नहीं करती है बिल्कुल।
फाइनली अभी किसी भी तरह की जब से FIR दर्ज हुई है या एक दो दिनों में, दो चार दिनों में जब से मामला थोड़ा तूल पर आया है, कोई ऐसे थ्रेट कॉल्स आए हैं या फिर कुछ ऐसे कोई नहीं मैसेजेस आए हैं? साथ ही आपको डर लग रहा है कुछ? नहीं थ्रेट कॉल मैसेजेस कुछ नहीं आए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस वाले ही मैसेज आए हैं जो लोग मेरी तरफ है थे। हाँ और ये भी मुझे पता चला कि और भी कुछ फैब्रिकेट कर रहे हैं, दैट आई डोंट वांट टू से। मतलब किसी किसी ने मुझे फोन करके बोला कि उनको यू नो बुलाया गया ऑफिस और कुछ बोलने के लिए बोला सडनली ऐसा। तो देखते हैं वो जो भी है। डर नहीं लग रहा है, बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। डर क्या है यार, ये तो पहले ही से मालूम था मुझे ऐसा कुछ होगा, क्योंकि एक ही चीज है कि मैं अकेले ही खड़ी हूँ और बस मुझे, मेरे पास सिर्फ सच्चाई है, अब आगे भगवान मालिक। ग्रेट, थैंक यू सो मच थैंक जयंत, यू थैंक यू सो थैंक मच। यू।